वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे साहब जी, तो आप लोग कैसे हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम होता हूँ उनका एक और नए व्लॉग में। तो यार क्या हाल चाल है, तो हम सब लोग कैसे हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करता हूँ उनका एक और नए व्लॉग में। तो भाई पिछले ना दो तीन दिन से जो है व्लॉग नहीं आ रहे चैनल पर, ठीक है। वैसे तो हम लोग डेली व्लॉगर बनने जा रहे थे, लेकिन भाई हम लोग बन नहीं पाए ड्यू टू सम रीजंस। तो भाई पिछले दो तीन दिन से ना व्लॉग नहीं पा रहे चैनल पे। भाई उसकी वजह क्या है, वजह लोग मैं अभी बता दूँ, ठीक है। भाई मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, भाई मैं अपनी जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही यार, ठीक है। आप लोगों को भाई एक जो यूट्यूबर होते ना, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, एक जो यूट्यूबर होते जो भी अपना यूट्यूब का करियर स्टार्ट करते, उसकी भाई सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? उसकी बड़ी ख्वाहिश ये होती है ना कि भाई उसके पास फेम हो, उसके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो, उसके पास मिलियंस ऑफ लविंग पीपल हो, उसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोइंग की जो है फैमिली हो। तो भाई वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन उससे भी मतलब कि थोड़ी सी मुझे खुशी देने वाली जो चीज़ है ना कि हाँ भाई मैं कुछ करूँ, वो जो चीज़ है ना वो मेरे सामने आ चुकी है गाइस। वो चीज़ भाई मेरे सामने आ चुकी है। आप लोग जो है मैं तकरीबन 3 सेकंड तक का टाइम दूँ, 3 सेकंड तक का टाइम। आप जो 3 सेकंड में गैस कर सकते हो तो गैस कर लो, ठीक है। तो आप लोग 3 सेकंड टाइम स्टार्ट है अभी। 1 2 3 जिसने गेस्ट कर लिया था पहले, भाई वो मुझे कमेंट सुनता है। तो भाई वो बात जो है मैं लोगों साथ बता चलूँ, वो बात गैस ये है कि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है। मजाक के अलावा गैस मजाक अला भाई मेरी यूट्यूब की जो है पहली इनकम आ चुकी है, ठीक है। ये कोई प्रैंक नहीं है। और भाई अप्रैल फूल का जो बचना है, वो अप्रैल फूल जो था ना वो उसको गए हुए भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो भाई असल में ना दो तीन दिन से भाई मेरे इस वजह से ही जो है व्लॉग नहीं आ पा रहे, क्योंकि भाई मैं इतना खुश हो रहा था, भाई मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, भाई मेरी भाई इनकम आ गई है। भाई मैं तो कभी सोचा नहीं था ये वगैरह फलाना टिंगना शो जो भी चीज़ है ना, लेकिन भाई मेहनत की है अल्लाह ने, भाई मदद की है, ठीक है। अल्लाह की मदद के बाद कुछ नहीं हो सकता भाई। बहुत ही भाई मैं मतलब खुशी हो रही है मुझे, ठीक है। आप लोगों को मैं मुझे बता नहीं सकता। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ना मैं आप लोगों को अपनी इनकम जो है दिखाता हूँ यार। अपनी इनकम दिखाने से पहले ना मैं आप लोगों को ये बता चाहता हूँ कि आप अपना जिस फील्ड में काम करो, चाहे वो एजुकेशन के वाले से हो, वो कोई भी सोशल मीडिया के वाले से हो ना, तो आप लोगों को भाई मैं ये कहना चाहूँगा कोई कभी भी हिम्मत ना हारना, ठीक है। कभी 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 भी जो है ना हिम्मत ना हारना, ठीक है। खुदा की कसम हिम्मत कभी ना हारना, ठीक है। तो जब तक आप जो है ना हिम्मत हार जाओगे ना, खुद ना हिम्मत हार रहे हो ना, तो भाई आपका कोई काम नहीं होगा। तो इंसान पे कब आता है, इंसान ना सोता था जब वो खुद को बोल देते भाई बस अब नहीं, अब बात ख़त्म, अब मैं नहीं कर सकूंगा यार, बस बहुत हो गई है, कहानी ख़त्म यार, ठीक मुझसे नहीं होगा। तो भाई मानो यकीन मानो एक दो कदम आगे जो है ना उसकी जो है उसकी कामयाब बड़ी होगी, लेकिन वो इंसान जो है ना खुद पे भाई बिलीव नहीं करेगा, अल्लाह पे भरोसा नहीं करेगा, तो भाई वो जो है ना हार जाएगा, खुद खुद हार जाएगा। उसको किसी को रहने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो हार जाएगा। भाई जो भी मौसम जो बकवास करते हैं ना आप सामने ना कि तू उससे नहीं होगा, तू ये कर लेगा यार, छोड़ अपने मारे खानदान, किसने ऐसा किया नहीं है, अब छोड़ ये वो फलाना टीना। भाई ये लोग जो होते हैं ना रियल में आपसे भाई हद से ज़्यादा जलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अभी मैं ये बात नहीं, जिन लोगों को मेरी बुरी लगती है लगें, लेकिन भाई ये हकीकत है, मजाक लगे ये हकीकत है, ठीक है, ये हकीकत है। मानना तो मानो, तो खुद आपको जिंदगी में जो है अंदाज़ा हो जाएगा जब आप लोग ना अपने खानदान की थोड़े बहुत अलग हो ना, जब अपनी ख्वाहिशात को देखिए थोड़ा आगे चलोगे कि हाँ भाई मुझे ये काम करने, मेरी ये ख्वाहिशात हैं, मैंने ये पूरी करनी है। तो भाई वो आप लोगों के जो खानदान, कुछ कुछ लोगों कहता हूँ, मैं सब लोगों का नहीं कहता, कुछ लोग होंगे वो आप लोगों को डीमोटिवेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। शुरू से ही आप लोगों को डीमोटिवेट करेंगे यार, मजाक कर रहा मेरी बात, आपको शुरू से डीमोटिवेट करना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं छोड़ दे यार, छोड़ दे, तू कर नहीं सकता यार, ये अजीब काम, भाई ये बुरी बात है, ये नाजायज, ये हराम है, फलाना टीना छोड़ यार। ये देखो भाई जो नाजायज काम हो ना, जो हलाल ना हो, उसका मैं खुद मना करता हूँ कि भाई ना करो, वो बहुत बुरी बात है, ठीक है। लेकिन जो हलाल काम हो जिसका आप लोगों को पता हो कि भाई दुनिया ये काम करती है, बहुत से मुस्लिम लोग ये काम करते हैं, तो भाई उसमें क्या शर्माना, ठीक है, उसमें क्या शर्माना। तो मेरा भाई लक्ष्य का जो है ना मेन बात ये ना कि कभी भी हिम्मत ना हारना, अपने आप पर भरोसा रखना, चाहे कुछ हो या ना हो, ठीक है, चाहे आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है आप लोग जरूर कुछ ना कुछ होगे। तो देखो भाई मुझ ना चीज़ की जो है इनकम आ सकती है, तो भाई आप लोगों की क्यों नहीं आ सकती? आप लोग क्या, मैं क्या उस्मान चतुर्म और आप लोग क्या आर्मी आ गई हो, ठीक है। भाई हर किसी की ना
मन से बहुत ही ज्यादा करीब होते, लेकिन भाई वो खुद पे यकीन नहीं करता, ठीक है भाई बैठने खड़े होकर मैं जो टांगे दर्द कर रही हूँ, ठीक है। तो भाई हर किसी की ना मंजिल बहुत ही ज्यादा करीब होती है जब वो कामयाब होने को लगता है, लेकिन भाई वो सब यकीन नहीं करता कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, बस खत्म काम। अबे यार मैं क्या समझाऊँ कि भाई मेहनत जो है ना, ये जो कामयाबी जो है ना, 2 दिन का खेल नहीं कि भाई बस एक बड़ी चाली फॉर यू पे गे टर्निंग बस काम खत्म, कुछ लोगों को होता है। लेकिन भाई असल मेहनत जो होती है, असल कामयाबी जो होती है ना, वो दिन रात मेहनत करनी होती है, आंखें जो है ना फाड़नी होती है, ठीक है, नींदें आराम करनी होती है, ठीक है। तो भाई अपने एक लेक्चर को जो है ख़त्म करते हैं, तो आप लोग भाई बिना किसी देर के जो है ना मैं अपनी इनकम निकालूँ, ठीक है। आप लोग जो अपनी आँखें क्लोज कर लो इन जस्ट 3 2 1 एंड यू विल गाइस सी डैट हाउ मच आई अर्न फ्रॉम दिस गाय यूट्यूब। ओके सो लेट्स बिगिन दिस। ओके 1 2 3 लुक गाइस, लुक लुक एट दिस मैन, दिस इज इनसेन, दिस लव मैन 1500, फिर 500, फिर 500, फिर 1000, फिर 50, क्या है? ओ ये कितने पैसे भाई, मैंने गिने भी नहीं थे, जरा हम लोग देखें तो सही ना। ओ भाई मेरे पैसे करके भाई मेरे पैसे यार, ये नोट ना गिराओ, इनमें जान बचती है भाई, इनमें जान बचती है, वैसे ही बड़ी महंगाई है हमारे मुल्क में, इनको ऊपर ही रख रहे दो भाई। कितने भाई, 100 200 300, 300 हो गए अभी भाई, इन पाते हैं 500, 1000 1500, ओके हो गया, फिर 1000 कितने हो गए भाई, 2500, ठीक है वो हो गया, उनको मिला के 2800, 2850, और भाई 2830 रुपया भाई ये मेरी इनकम आई है। भाई मजाक किया यार, भाई मजाक किया, ठीक है। खैर जो मेरी लेक्चर है ना वो भाई मजाक नहीं था, वो होता है मेरे साथ भाई बहुत बात हो रहा है, तो भाई मैं भी हिम्मत नहीं आ रहा, भाई मजाक किया, ठीक है। तो भाई आज ईद तो पहले आ लूँगा मेरी तरफ से, ईद मुबारक, ठीक है यार, ठीक ईद मुबारक आ लूँगा मेरी तरफ से। तो भाई ये मुझे अपना ईद का ड्रेस पहनूँ भाई, मैंने इससे अपनी जो बेग कमाई है उसमें भाई छल्ला भी खरीदा, ठीक है। अच्छा जी आप लोग उतना मेरी तरफ से ईद मुबारक, ठीक है। तो भाई आज मैं ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि भाई मेरे मोबाइल की चार्जिंग लो थी हमेशा की तरह, मेरी तबीयत हमेशा की तरह ख़राब थी, तो भाई मैंने बोला थोड़ा बहुत आराम से जो है शुगर लगा देते हैं, प्रैंक कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई जो लोग खफन है मेरे पास बाहर से, भाई खफन ना शुगर में लगाना चाहिए, ठीक है। तो भाई सीरियसली आप लोग मैं एक बात कर लूँ, सीरियसली जो मैंने आप लोग लेक्चर लेक्चर दी ना उसको फॉलो करो, होते हैं लोग होते हैं 2 3 दिन से पता क्यों नहीं आती, तो भाई कुछ लोग आप लोगों की सोसाइटी में आपको इतना डीमोटिवेट करें, इतना डीमोटिवेट करें कर देते हैं, लेकिन भाई मेरे अंकल एक हैं, मेरे मामू हैं, मेरे अंकल भी हैं, मेरे चाचू हैं, मेरे मामू हैं, मेरे एक और मामू हैं, और मेरी मम्मा और मेरे बाबा, स्पेशली मेरे बाबा, ठीक है। उन्होंने आज भाई मुझे बोले, मेरे अंकल के सामने बोले ना कि जो फॉरन कंट्रीज हैं उनके सामने बोले कि नहीं भाई ये ब्लॉक करते हैं इसको मैंने इजाजत दी है, तो भाई मेरे भाई बोले कि मेरे बाबलों की इजाजत दी है तो अगलों की भाई क्या औकात है भाई कि मुझे रोकें, ठीक है। तो भाई मैंने बोला कि हम लोग भाई हमसे थोड़ा बहुत छोटा सा प्रैंक करते हैं फोन आओ, ठीक है। तो भाई वीडियो आलोम पसंद लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग मेरी तरफ से फिर से ईद मुबारक, ठीक है। आओ से मुलाकात होती है मेरी ईद डे 2 में। तो भाई मैंने जो है ये छल्ला लिया भाई, ये रिंग सी मैंने ली है भाई, मैंने देखा भाई इसका काफ़ी ट्रेंड चला था, मेरे भाई कज़न ने भी पहनी होती, दोस्तों ने भाई स्कूल में लगाई होती है, ठीक है, और ये फैमिली में भाई काफ़ी चली हुई है, ठीक है। मैंने बोला भाई मैं भी ले लेता हूँ, भाई मैंने ये वाला लिया भाई, बताओ कैसे है, हाँ ठीक है। और उसकी भाई मुझे कीमत पड़ी है भाई 200 रुपये, अंकल जी दे दे भाई 300 रुपये, मैंने बोला चाचू इतनी चीज़ नहीं भाई आप मुझे जो है 200 रुपये में, तो चाचू के साथ भाई मैंने सुबह बड़ी बहस की है, तो भाई मैंने जो है ये ले लिया भाई 200 में, ठीक है। तो भाई मैं अपनी नानों को ये खाया, नान ने पहले बोले ओ पुत्र किसने अंगूठी लाई ये, यार खैर कोई बात नहीं, ये अंगूठी किसी ने लगाई, ये मैंने पहले नानों को बोला नानो ये मुझे किसने गिफ्ट किया ना, नानों को थोड़ा बहुत फ्रेंडली, तो उन्होंने बोला पुत्र किसने अंगूठी लाई ये साल सट मैनू, तो भाई मैंने बोला किसी ने लगाई क्या हो गया, ठीक है। तो ये बस आई एम ठीक। तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुलाकात करता हूँ उसमें अगली वीडियो में, ठीक है। तो भाई आज वाकई इधर टाइम ही, तो भाई देख सकूँगा कि भाई फ्रूट शूट ग्लास ये साइड का हम लोग भाई काट कर रहे थे, लेकिन भाई ये पता नहीं किसने ले आया भाई, मैं तो दिल करता इसको चमोड़ लूँ, ठीक है। मैंने पी नहीं है, मजाक ना मैंने पी नहीं, ठीक है, अलग ही ऐसा मैंने नहीं पी, ठीक है। गुलाब जामुन भाई ये मैंने बहुत सारे खा लिए सब के, ठीक है, हर घर में, तो उनको भाई हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुलाकात करता हूँ अगले ब्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़ यार।